हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप प्रॉब्लम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए स्टार्ट सम बिजनेस विथ रुपीज 4000। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो हमें रेशियो निकालना होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितना मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया, M1 T1 M2 T2। ये ए के लिए हो गया, M2 T2 बी के लिए हो गया, और M3 T3 सी के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में लगा दीजिए रेशियो का साइन। तो M क्या है कि A ने कितना मनी इन्वेस्ट करा, T1 क्या है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, B ने कितना मनी इन्वेस्ट करा और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए स्टार्ट सम बिजनेस विथ रुपीज 4000। ए ने कोई बिजनेस शुरू करा कितने रुपए से, 4000 से। आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन हिम रुपीज, बी ने कितने रुपए से बिजनेस को ज्वाइन करा, 3 मंथ बाद ज्वाइन करा, और कितने रुपए से, 6000 रुपीज से। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। बी ने 3 महीने बाद ज्वाइन करा, मतलब बी ने बिजनेस करा कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और ए ने कितने महीने के लिए करा, 12 के लिए। ठीक है, तो अब इसमें काट दीजिए जो भी कट रहा है, 30 से 30 काट दीजिए, और 3 4 12, 3 3 9। ठीक है, और कुछ देख लीजिए, 2 3 6 और 2 2 4। तो रेशियो क्या आ गया, 8:3:9। तो जो हमें निकालना था कि इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट, तो वो जो ए और बी हैं वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो 8:9। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए बी सी टुगेदर स्टार्ट बिजनेस 2 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 times। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं किसकी बात कही जा रही है, कि ए बी और सी तीनों जो हैं एक साथ किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए बोला जा रहा है 2 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। मतलब ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3। उसके बाद द कैपिटल ऑफ बी इज हाफ दैट ऑफ सी। अब बी और सी का रेशियो क्या गिवन है, कि बी का जो रेशियो है वो कैपिटल है वो हाफ है सी से। तो मान लेते हैं कि सी का हमारा 2 है, तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1। निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू को हम 1 बना लें। जैसे यहाँ पे बी 3 है तो यहाँ पे भी बी 3 होना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 3:6 का। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं, ए का रेशियो क्या है, 2, बी का यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो बी का क्या हो गया, 3, और सी का क्या हो गया, 6। यही हमको निकालना था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे तो टाइम की कुछ बात ही नहीं कही गई है, तो ये रेशियो हमको केवल निकालना था, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट, तो ये शेयर निकालना था। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो निकालना था, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी क्वेश्चन और भी करने हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा. इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ द टाइम. तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट कैपिटल कुछ भी ले लेते हैं 15 है और टाइम भी क्या है हमारा 15 है. ठीक है, अब देखिए 15 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/3 है, तो 5 और 3 दोनों से 15 कट जाता है आराम से. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है. इन अ पार्टनरशिप, पहले यहाँ लिख लीजिए ए बी और सी की बात की गई है. इन अ पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट ए इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल. तो अगर 15 है तो 15 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 आ जाएगा. और 1/5 ऑफ द टाइम, टाइम में भी यहाँ पे इंटू 1/5 करोगे तो क्या आएगा, 5 × 3 = 15, तो इंटू 3 आ गया. ठीक है, तो ये पहला हो गया मनी के लिए, दूसरा हो गया टाइम के लिए, ध्यान रखना. इसके बाद बी के लिए क्या लिखा हुआ है, बी इन्वेस्ट 1/3 कैपिटल फॉर 1/3 टाइम. तो 15 × 1/3 क्या होगा, 5 आएगा. ठीक है, अब इसके बाद सी के लिए क्या बोला गया, सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल. अब रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा, ये हो गया 3 मनी, यहाँ हो गया 5, 3 और 5 हो गया 8, तो 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, बचा हुआ कितना हो गया 7. तो ये तो मनी के लिए बोल देगा. अब टाइम के लिए क्या बोला गया है, द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम. होल टाइम हमारा क्या है 15, तो मतलब यहाँ पे आ गया 15. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए जो भी कुछ कट रहा है. तो यहाँ पे तो हमें नहीं लगता कुछ भी ऐसा कट रहा है, तो क्या आ गया देखिए 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 105. ठीक है, ये आ गया रेशियो. अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ तक हो गया. इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट अर्नड इज रुपीज दिस. ठीक है, तो ये टोटल प्रॉफिट दिया गया है, तो हमें ये टोटल वैल्यू चाहिए होगी, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं 105, 25 और 9. तो क्या आ गया 9 और यहाँ 3, 139 आ गया. इन तीनों का सब मतलब 130, ये तीनों का प्रॉफिट है भाई. ए बी, ए का प्रॉफिट 9 है, बी का 25 है और सी का 105 है. तीनों के प्रॉफिट को ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, रुपीज 13900 के. तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड कर दीजिए तो आ गया रुपीज 100. क्या आ गया, रुपीज 100 मिल गया हमको. अब क्या बोला गया है, देन व्हाट विल बी बी शेयर्स. अब बी कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 25. तो बी का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 यूनिट की वैल्यू है 100, तो हमारा आ जाएगा रुपीज 2500. ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है. इफ एक्स वाई एंड जेड ज्वाइंटली स्टार्ट अ बिजनेस, एक्स पुट्स. अब सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं एक्स वाई जेड. X ने कितना रुपए दिए बिजनेस में डाले, 1500, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए. Y puts in rupees 1200, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए. और Z puts rupees 800 for the whole year, whole का मतलब 12 months. अब काट दीजिए 2 0 2 0 और 2 0 कट गए. अब 3 से काटिए, 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15. अब 4 4 और 4 2 8, क्या आ गया 10, रेशियो 9, रेशियो 8, ये मिल गया हमको. अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, फॉर द होल एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज दिस.
अब ये हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया एक्स वाई जेड का अलग अलग, और ये टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1080, तो क्या करें इसको ऐड करिए कितना आएगा 10 प्लस 9 19, और 19 में 1 ऐड करिए 20, तो 27 मिल गया। 27 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ₹1080, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, 4 जा होता है 108, ठीक है, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया ₹40, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 40। अब पूछा क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड शेयर, अब एक्स का शेयर है 10, जेड का शेयर है 8, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, तो आ गया आपका आंसर ₹80, क्या आंसर आ गया ₹80। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप देख रहे हो कि रेशियो यूज हो रहा है, रेशियो टॉपिक आप लोग फिनिश कर चुके हो, वो यूज हो रहा है, तो रेशियो टॉपिक आना चाहिए आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।